विशेष तौर से देश के प्रधानमंत्री और गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि ये उनके प्रयास से पिछले 5 वर्ष में और ये शुरुआत तब हुई जब और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। झारखंड स्थित देवघर एयरपोर्ट की शुरुआत हो चुकी है, जिसका उद्घाटन सावन शुरू होने से ठीक पहले यानी 12 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। और अब आज देवघर एयरपोर्ट का सीधा कनेक्शन दिल्ली से जुड़ चुका है। देवघर और दिल्ली के लिए पहली फ्लाइट आज उड़ान भरी है। आपको बताया कि ये फ्लाइट इंडिगो की थी, जिसने दिल्ली एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर देवघर एयरपोर्ट में जाकर लैंड किया है। और इतना ही नहीं, इस फ्लाइट में कुल 12 सांसद मौजूद हैं। भोजपुरी के 3 सुपरस्टार भी इस फ्लाइट में सवार हैं। और इस फ्लाइट के कैप्टन की अगर बात की जाए तो वो सांसद राजीव प्रताप रूड़ी है। आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लगभग 3 सप्ताह के बाद आज फिर झारखंड के दूसरे हवाई अड्डे से नई शुरुआत होने जा रही है। आज से देवघर एयरपोर्ट का सीधा हवाई कनेक्शन देश की राजधानी नई दिल्ली से जुड़ जाएगा, जिसके बाद अब दिल्ली और देवघर के बीच सीधा उड़ान सेवा उपलब्ध होगी। गौरतलब है कि देवघर एयरपोर्ट पर दिल्ली से इंडिगो की पहली कॉमर्शियल फ्लाइट 180 यात्रियों को लेकर आज दोपहर 2:45 पर लैंड करेगी। इसमें गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के साथ कुल 12 सांसद समेत 40 विशेष अतिथि आ रहे हैं। टर्मिनल बिल्डिंग में इस फ्लाइट में आने वाले सांसदों का स्वागत समारोह किया जाएगा। इंडिगो के अधिकारियों की टीम कोलकाता से देवघर एयरपोर्ट पहुंच चुकी है। फ्लाइट के लैंड करते ही वाटर कैनन से सल्यूट किया जाएगा। बहरहाल दिल्ली और देवघर के बीच आज से शुरू होने वाली हवाई सेवा की पहली फ्लाइट में भोजपुरी फिल्मों के 3 दिग्गज सुपरस्टार भी बाबा धाम पहुंचेंगे। यहां जो दिग्गज है वो सांसद मनोज तिवारी, सांसद रवि किशन और हाल में सांसद बने दिनेश लाल यादव निरहुआ है। तीनों एक्टर देवघर पहुंचने के बाद बाबा बैद्यनाथ धाम जाएंगे। इसके अलावा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे, सांसद अनुराग शर्मा, प्रवेश वर्मा, कमलेश पासवान, सुनील सिंह, रविंद्र कुशवाहा एवं सुब्रत पाठक शामिल हैं। अन्य विशेष अतिथियों में अभिनेता शेखर सुमन, भोजपुरी अभिनेत्री अमृपाली दुबे, गायक रितेश पांडे एवं दीपक ठाकुर हैं। आपको बता दें कि सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस विमान को उड़ाने की जिम्मेदारी सांसद राजीव प्रताप रूड़ी एवं कैप्टन आशुतोष शेखर संभालेंगे। छपरा के सांसद राजीव प्रताप रूड़ी ने बताया कि देवघर एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भविष्य में बन सकता है, इसकी पूरी संभावना है। अतिथियों का एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग के बाहर इनर व्हील और एवं रोटरी क्लब की महिलाएं तिलक लगाकर स्वागत करेंगी। देवघर एयरपोर्ट से लेकर डाबर ग्राम तक राजशाही अंदाज में रोड शो होगा। फूलों की वर्षा के बाद सभी सांसदों के स्वागत में कोलकाता में मशहूर महबूब बैंड समेत स्थानीय बैंड, ढोल, नगाड़ा और मांदर गूंजेगा। मुंगेर से 6 घोड़े मंगवाए जा रहे हैं। मांदर की थाप पर आदिवासी नृत्य के साथ सभी सांसदों को एयरपोर्ट से देवघर बाजार तक लाया जाएगा। तो ये अच्छी खबर और बड़ी खबर झारखंड के देवघर से सामने आई है, जहां पर देवघर का हवाई कनेक्शन सीधा देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ चुका है। दिल्ली से पहली फ्लाइट आज देवघर एयरपोर्ट पर 2:45 पर लैंड करेगी और उसके कैप्टन छपरा के सांसद राजीव प्रताप रूड़ी है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार।